और अब बात दिल्ली की, जहां दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के निजी सचिव को ईडी ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया। इस बीच आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उसे गुजरात छोड़ने के लिए ऑफर दिया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले की आज अब मनीष सिसोदिया के निजी सचिव देवेंद्र शर्मा तक पहुंच गई, जिसके बाद ईडी उन्हें घर से उठाकर अपने साथ ले गई और करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके ये दावा किया है कि उनके निजी सचिव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि ईडी ने इस दावे को नकारा। ईडी के देवेंद्र शर्मा से पूछताछ का सिलसिला करीब 10 घंटे चला, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इसी बीच दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उसने ईडी की रेड को गुजरात चुनाव से जोड़ दिया। इससे जुड़े ताबड़तोड़ ट्वीट भी किए। अब भारतीय जनता पार्टी ने मनीष जी के बाद अरविंद केजरीवाल जी को ऑफर दिया है। यह संदेश भिजवाया है कि आप गुजरात मत जाइए, आप गुजरात में चुनाव प्रचार छोड़ दीजिए और बदले में हम सत्येंद्र जैन जी को भी छोड़ देंगे और हम मनीष सिसोदिया जी को भी गिरफ्तार नहीं करेंगे। सुना, सीधा आरोप है कि अगर केजरीवाल गुजरात चुनाव छोड़ दें तो उनके दो मंत्रियों पर चल रहे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। ऐसी बयानबाजी कर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को गुस्सा दिला दिया और उसने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। शराब घोटाला खुला है, जब से इनके सारे सबूत मनीष सिसोदिया को मिले हैं, कुछ दिमाग की संतुलन शायद बिगड़ गया है केजरीवाल जी का। उनको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। मैं आपके एबीपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जिसका आया उसका नाम सीधा खुलासा करें। क्यों आप मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह देख रहे हैं और जैसे कोई कॉमेडियन आता है ना, आजकल लोगों को कॉमेडी में उनके अच्छा लगने लग गया कि आप केजरीवाल आके क्या नई कॉमेडी करेंगे। दिल्ली शराब घोटाले पर ईडी की जांच जब से शुरू हुई है, तब से आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी की साजिश करार दे रही है। इसलिए इस बार भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही मनीष सिसोदिया के निजी सचिव पर शिकंजा कसा गया, आपने गुजरात चुनाव की राह पकड़ ली। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।